स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन का टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले के टॉपिक में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में टॉपिक हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो भौतिक विभाजन से है। लेक्चर के लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं। लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। देखिए, उत्तराखंड राज्य गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को तीन भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया था। जब उत्तराखंड राज्य गठित नहीं हुआ था तब उत्तर प्रदेश को तीन भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया था। वो कौन कौन से थे? पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर दूसरा जो था वो था मध्य का मैदान, ये मध्य का मैदान था। और तीसरा जो था वो था दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये कब था? जब उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व। फिर उत्तराखंड राज्य जब गठित हो जाता है उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र से सटे, ये पर्वतीय क्षेत्र से, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ ये जो था भाभर और तराई क्षेत्र, इसी को पर्वतीय क्षेत्र की जगह पर इसी का एक भाग मान लिया गया। अब संपूर्ण क्षेत्र को तीन भौतिक क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला कौन सा है? पहला यही हो जाता है उत्तर का भाभर और तराई क्षेत्र। उत्तर का भाभर और तराई क्षेत्र। फिर दूसरा आपका यह हो जाता है मध्य का मैदानी क्षेत्र। फिर तीसरा आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये आ जाता है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ओके, तीसरा जो है वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये कब हुआ? ये जब उत्तराखंड के अलग होने के बाद, उसके बाद इसका डिवाइडेशन हो गया। उत्तराखंड से पहले था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिण का पठार। जब उत्तराखंड राज्य अलग हो गया उसके बाद से आपका क्या हुआ? उत्तर का भाभर तराई क्षेत्र, उत्तर का मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ओके, आई होप समझ पाए होंगे। अब हम सभी लोग एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं हम सभी लोग उत्तर के भाभर और तराई क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग भाभर क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि भाभर क्षेत्र क्या है। देखिए मैप में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश ये आपका तराई क्षेत्र है। ये क्या है? आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के उत्तर में, ये इस साइड उत्तर है, तो इसके उत्तर में ये क्या है? आपका भाभर क्षेत्र है। ये क्या है? आपका भाभर क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को भाभर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये कैसे है? एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है भाभर क्षेत्र। अब ये जो क्षेत्र होता है ये ककरीली और पथरीली मिट्टी से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ककरीली और पथरीली मिट्टी द्वारा ये निर्मित क्षेत्र है। और इसमें इतनी ककरीली और पथरीली मिट्टी होती है कि यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं उन नदियों में बहुत ज़्यादा कंकड़ और पत्थर होता है, तो ये इन नदियों को ऊपर से ढक लेते हैं और ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे कोई नदी है ही नहीं। यहाँ पे नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। ओके, अब हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे कि इसकी लंबाई क्या है। देखिए भाभर क्षेत्र जो है वो लंबाई में, यहाँ पे आपका सहारनपुर, ये क्या है? आपका सहारनपुर। ये सहारनपुर और यहाँ पे आपका बिजनौर, यहाँ पे क्या है? आपका बिजनौर और यहाँ पे आपका पीलीभीत जिला। ये क्या है? आपका पीलीभीत जिला। तो भाभर क्षेत्र की लंबाई जो है वो सहारनपुर से बिजनौर और पीलीभीत जिले तक है इसकी लंबाई भाभर क्षेत्र की। ओके, आइए अब हम सभी लोग तराई क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तराई क्षेत्र, देखिए तराई क्षेत्र क्या है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है। देखिए तराई क्षेत्र जो है वो महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित होता है। ये किससे होता है? महीन अवसादों वाली मिट्टी से निर्मित होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भाभर क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र किससे होता है? वो ककरीली और पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित होता है। अब देखिए भाभर क्षेत्र, ये आपका भाभर क्षेत्र था,
तो बाबर क्षेत्र के दक्षिण में, ये बाबर क्षेत्र के दक्षिण में तथा इसके समांतर, बाबर क्षेत्र के दक्षिण में तथा इसके समांतर, ये इसके समांतर जो है ये क्या है आपका, एक संकीर्ण पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र का विस्तृत एवं समतल दलदली मैदान पाया जाता है। कैसा होता है ये, दलदली मैदान पाया जाता है। ओके, यह उत्तर पश्चिम, इसका जरा विस्तार हम लोग देख लेते हैं। ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में ये सहारनपुर से लेकर स्टार्ट हो जाता है और ये कहाँ जाता है, कुशीनगर जिले तक। ये कुशीनगर जिला है आपका, क्या है ये, कुशीनगर जिले तक इसका फैलाव है, या इस जिले तक ये विस्तृत है। कौन, तराई क्षेत्र। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण दलदली क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है स्वास्थ्य के लिए, कुछ कम ठीक होती है। ओके, इस तराई क्षेत्र में अगर हम पौधों की बात करें तो तराई क्षेत्र में यहाँ पे पौधे जो पाए जाते हैं वो साल है, सेमल है, तेंदू है, ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे लंबी घासें भी पाई जाती हैं। ओके, आई होप तराई क्षेत्र के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोग मध्य के मैदानी क्षेत्र के बारे में देखते हैं। मध्य का मैदानी क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र। ओके, देखिए ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैप में, ये मध्य का मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है आपका, मध्य का मैदानी क्षेत्र है ये। इसे गंगा यमुना का मैदानी दोआब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा यमुना का मैदानी दोआब, मैदानी दोआब भी इसको बोला जाता है। ओके, इसका निर्माण, ये जो मैदान है इसका निर्माण कई नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। जैसे आपकी गंगा है, गंगा नदी है, गंगा की सहायक यमुना और रामगंगा नदी, फिर गोमती, ये भी गोमती, शारदा, ताप्ती, गंडक, इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी एवं बालू एवं कीचड़ से इसका जो निर्माण होता है, किसका, मध्य के मैदानी क्षेत्र का। ओके, इस मैदान की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग होती है 80 से 300 मीटर, इसकी ऊंचाई 80 से 300 मीटर के करीब होती है। और इस मैदान का जो ढाल है, इस मैदान की ढाल की बात करें तो इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। किधर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। संरचना के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने, दो भागों में इसको बांटा जाता है। एक तो बांगर क्षेत्र है और दूसरा जो है वो खादर क्षेत्र। तो संरचना के आधार पर मध्य के मैदानी भाग को दो उपभागों में बांटा गया है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र के बारे में। आइए हम लोग एक एक करके इनको भी समझते हैं, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र के बारे में। बांगर क्षेत्र, देखिए बांगर क्षेत्र क्या होता है। देखिए बांगर क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो यहां पे क्या होता है, नदियों के जो बाढ़ का पानी होता है वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब क्या होता है कि जब बाढ़ का पानी यहाँ पहुंच नहीं पाता, इसका मतलब ये कैसी है, उच्च भूमि होगी। यहाँ पे कैसी होगी, उच्च भूमि होगी। ये नदियों के बाढ़ का पानी आता है तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, ये इसके समतल में ही रह जाता है। ओके, इस कृषि उपयोग में आने रहने के कारण बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। अगर हम इसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति की बात करें तो क्या हो गई है, अब कम हो गई है। ओके, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बांगर क्षेत्र कैसे क्षेत्र होते हैं, ये उच्च क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे जो नदियों के बाढ़ का पानी होता है वो नहीं पहुँच पाता है। ओके, और कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अब हम सब लोग खादर क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि खादर क्षेत्र क्या है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है। इसका तात्पर्य किससे है, कछार से है, जहाँ नदियों द्वारा लाई गई प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में, यहाँ पे नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी के कारण
नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है बहाकर लाई जाती है, तो यहाँ पे इसकी परतें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? मिट्टी की परतें बन जाती हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भूमि होती है, जो खादर क्षेत्र होते हैं, ये जब यहाँ पे मिट्टी की नई नई परतें बन जाती हैं, इसका मतलब मिट्टी यहाँ पे अधिक उपजाऊ होती है। कैसी होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है। ओके, यहाँ पे मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इसका मतलब क्या है? ये बांगर क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होता है। संपूर्ण मध्य क्षेत्र में इसके अगर मध्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें रबी और खरीफ की, किसकी? रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है। आइए अब हम सभी लोग बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र की। ये आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ये जो है ये क्या है? आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। यह पठारी भाग भूभाग वास्तव में क्या होता है? ये जो है प्रायद्वीपी भारत, ये आपका ये प्रायद्वीपी भारत का ही एक भाग है। कौन? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ओके, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपी भारत का ही एक भाग है। इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे झांसी है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, और सोनभद्र जिले आते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से जिले आते हैं? झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा जिला है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, चंदौली है, ये सारे जिले इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पठारी क्षेत्र, इसके निर्माण की बात करें तो ये प्राचीन चट्टानों एवं नीस चट्टानों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? ये नीस चट्टानों से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण का पठार जो है वो किससे निर्मित है, तो वो नीस चट्टानों से और प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे मुख्य नदियाँ यहाँ पे आपकी कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, चंबल है, बेतवा है, केन नदी है, सोन और टोंस। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये चंबल, बेतवा, केन, ये नदी जो है ये इस जो पठारी भाग है इसको मध्य से काटते हुए ये सब कहाँ मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये कहाँ मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। और सोन और टोंस जो नदी हैं ये इस पठार को काटते हुए किस नदी में जाके मिल जाती हैं? गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है? वर्षा का अभाव है। इस पठारी क्षेत्र में वर्षा का अभाव है। वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए यहाँ पे जब वर्षा का अभाव है तो यहाँ पे जो है वृक्ष जो है वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? वृक्ष जो है वो छोटे होते हैं और जिससे इनका विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम सभी लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बाबर क्षेत्र निम्न मिट्टी से बना होता है। तो बाबर क्षेत्र किस मिट्टी से बना होता है? कंकरीली मिट्टी से बना होता है, पथरीली मिट्टी से होता है, ककरीली या पथरीली दोनों मिट्टी से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबर क्षेत्र जो है वो ककरीली तथा पथरीली दोनों मिट्टी से बना हुआ होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तराई क्षेत्र निम्न पट्टी से बना होता है। तराई क्षेत्र पथरीली मिट्टी से बना होता है, ककरीली मिट्टी से बना होता है, या महीन अवसादों वाली मिट्टी से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो तराई क्षेत्र जो होता है वो महीन अवसादों वाली मिट्टी से बना होता है। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं? बाबर क्षेत्र में नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, या तराई क्षेत्र में, या बांगर क्षेत्र में, या खादर क्षेत्र में? तो ये जो नदियाँ होती हैं वो भूमिगत होकर बाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है? तराई क्षेत्र को कहा जाता है, या बाबर क्षेत्र को कहा जाता है,
या मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है या दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो गंगा यमुना का मैदानी दोआब जो है वो मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ओसेनिया, अंगारा लैंड, यूरेशिया या गोंडवाना लैंड? तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, ककरीली क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है या गंगा यमुना के क्षेत्र में? तो देखिए ये बाबर होता है और ये उसके बाद तराई, तो तराई के किधर होता है? उत्तरी भाग में होता है ना, ऐसे ऊपर थोड़ा, तो तराई के उत्तरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में बाबर की तंग पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से किस क्षेत्र की भूमि उच्च भूमि होती है? खादर क्षेत्र की भूमि उच्च होती है या बांगर क्षेत्र की भूमि उच्च होती है या खादर और बांगर दोनों की या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि जो होती है वो बांगर क्षेत्र की भूमि उच्च होती है। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में से किस क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है? तो बांगर क्षेत्र की होती है, खादर क्षेत्र की होती है, पठारी क्षेत्र की, इनमें से कोई नहीं? तो मिट्टी जो उपजाऊ होती है वो खादर क्षेत्र की होती है। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अब यहाँ पे आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको ये लेक्चर और ये प्रश्न कैसे लगे। मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।